अच्छी होती है। ये दास्तान के साथ देसी घी का तड़का लगा के मगज वाली निहारी मिलेगी आपको मोहम्मदी निहारी मजंग से। ये चटपटी रेशेदार निहारी से हमारी शुरुआत हो जाती है, अब आगे देखें क्या होता है। बहुत आला, बहुत आला। फिर हमारा दिन शुरू होता है नार के लिए मौजूद गुलाम रसूल के चने और गुलाब जामुन से, और वहाँ से आपने मुड़ के नहीं देखना और सीधा जाना है बैंक स्क्वायर पे चाचू फ्रूट चाट। यही प्याज आलू और चटपटे चाट मसाले से भरी नॉस्टैल्जिक फ्रूट चाट है। चाचू फ्रूट चाट खा के आपने रीगल चौक पहुँचना है बेनजीर दही बल्ले पे, जिसके दही बल्ले भी कमाल है। तीन चार दिन से मेरे पेट ने बहुत तंग किया है, आज मैं आपको मजा नहीं पाऊंगा। वैसे तो पाकिस्तान में हमारा डेली फालूदा बनता है, लेकिन ये फालूदा बनाया यूसुफ ने, जो कि पुरानी अनारकली में मौजूद है। ये रबड़ी वाला दूध जिसमें तुक मलंगा सेवैया और ठंडा दूध डाला जाता है, दूध मिला के उसमें बर्फ डाली जाती है, फिर उसको ऐसे फेंटा जाता है कि मजा आ जाता है। अगर रबड़ी वाला दूध पी के आपकी तबीयत सेट ना हो और आपको चस ना आए तो आपने कहना भाई मुझे फालूदा भी बना दो। रबड़ी वाला दूध पीने के बाद फालूदा खा के इंसान की तबीयत लाजमी सेट हो जाती है। मैं तो फालूदा का मूड एनहांसर बोलता हूँ। तुक मलंगे सेवैया और रबड़ी के साथ ठंडा यक फालूदा इंसान के दिमाग को सुन कर देता है। जैसे हमारा दिमाग सुन लग रहा है इस टाइम पे, तो परेशानी दूर भागेंगी ना। कमाल किस्म का ठंडा या फालूदा खाने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आएगी, बहुत आला। Let's eat biggest deep fried pizza of Pakistan. सुन ले आप सब लोग, जब कोई किसी की तरफ जाता है मिठाई का डब्बा लेके, उसमें सिर्फ गुलाब जामुन होनी चाहिए। मेरी तरफ अगर कोई आया और उसमें नीली पीली रंग बिरंगी मिठाइयां हुई ना, ये समझाइए आप लोगों को, डब्बे के अंदर सिर्फ गुलाब जामुन होने चाहिए। बहुत लस्सी की पेड़ वाली लस्सी बहुत making slow cook steamed mulk parda machine at Junoon. It is marinated overnight in organic gram spices. After that, fried, steamed and covered with thick layer of butter. You can bake with rice and butter, which makes it so tender and succulent, and it melts in your mouth. It's so tender that the meat falls off the bone. जिस्म जो है ना वो कहता है एहतियात करो, उबला हुआ खाओ, सब्जी खाओ, वर्जिश करो, लेकिन दिल कहता है मजे करो, आराम करो, बर्गर खाओ, पिज्जे खाओ, कचौरी खाओ। तो कोई रबड़ी और फलूदे के बारे में सोचो, सो जाओ और सोते हुए पायों के बारे में सोचो, और सोचो पेट में जगह होती तो ये समोसा पेट में जाता, मैं बर्गर खाता, गुलाब जामुन खाता, केक खा के लस्सी पीता और जोर जोर के नारे मारता। ये लाहौर में निस्बत रोड पर मजेदार किस्म के हरीसे की दुकान है, यहाँ पे बीफ का और मटन दोनों का हरीसा मिलता है। हरीसे के अंदर मजेदार किस्म के कबाब डाले जाते हैं, फिर देसी घी का तड़का लगा के उसको तिलों वाले नान के साथ या कुलचे के साथ खाया जाता है। चटपटा चाट मसाला डाल के नींबू और अदरक की बारिश की जाती है। ये मजेदार हरीसा खा के आप भी ये बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। क्या आपने लोगों को लस्सी के पीछे लड़ते हुए देखा? क्या आपने लस्सी मिलने के बाद खुशी से किसी को रोते हुए देखा? ये ऐसी कौन सी लस्सी है जिसके पीछे दुनिया पागल हुई है और दो दो घंटे टोकन लेके सुबह 2 बजे यहाँ के खड़े हो जाते हैं। टोकन लेके हमने डिसाइड किया कि दिल्ली गेट का राउंड लगाते हैं, लेकिन जब वापस आए तो रश वैसे के वैसे था, फिर पाकिस्तानी तरीका इख्तियार करना पड़ा। ये है जेदा लस्सी वाला, इसकी दुकान सूतर मंडी की बैक साइड पे अवामी बाजार में मौजूद है। जेदा साहब का ओपन चैलेंज है कि पूरी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इतने मजे की लस्सी कोई नहीं बना सकता। इसकी बेसन मलाई की मोटी तय के बाद एक लस्सी ऐड की जाती है। इस लस्सी की खास बात है कि खालिस गाढ़े दही से बनाई जाती है और इसके अंदर मलाई के चंक्स आते हैं। पास खड़े कुछ लोगों का कहना था कि जेदे की लस्सी में नशा मिला होता है, ये बाकी किसी नशे से कम नहीं। आज आप सबको मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग कंप्लेन करते हैं बर्गर खाता हूँ और मजे मजे के खाने खाता हूँ और वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो आज शाम का आप सब लोगों को मेरी तरफ से इनविटेशन है। हम लोग बर्गर, पिज्जा, पास्ता, सॉसेजेस, क्रीम रोल, पिज्जे, निहारियां, गुलाब जामुन, स्ट्रीट फूड चाटे, कतलम में लस्सियां, फलूदे, बन कबाब, चीजी फ्राइज, चीज समोसे,
टर्किश बकलावे, जलेबियां, गोलगप्पे, स्टफ गोलगप्पे, लड्डू, पिटी, पापड़ी, चाट, चीजी खाने, डिजर्ट्स, उफ यमी यमी खाने, और जंक फूड से होने वाले नुकसानात के बारे में लेक्चर दिया जाएगा, और फिर हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और तीन दफा बहुत आला बहुत आला बहुत आला बोलेंगे। दुआ के बाद ग्रीन टी के साथ खजूर सर्व कीजिएगा, खुद भी आइएगा और दोस्तों को भी लाइएगा। थैंक यू। This is Daud Kim and he has recently converted to Islam and he is in heaven right now. और ये है लाहौर की बेस्ट कड़क चाय, ये आपके 14 सबक रोशन कर दे। और ये है लाहौर का बेस्ट बल्लों वाला लच्छा पराठा। एंड दिस इज अदील चौधरी हु इज ऑलवेज हंग्री, एंड सिंस दाऊद हैज मेट अदील नाउ दाऊद इज ऑलवेज हंग्री टू। ये है क्वेटा का चाय पराठा लाहौर के अंदर। यहाँ पे चीज और आलू की फिलिंग वाला जबरदस्त किस्म का पराठा मिलता है। इस बल्लों वाले लच्छे पराठे को एक खास तरीके से तैयार किया जाता है और फिर इसको तवे पे फ्राई किया जाता है, और ये अंदर से इतना सॉफ्ट और ऊपर से इतना क्रिस्पी बन जाता है कि आप इंजॉय करेंगे। ये लाहौर में सदर राउंड अबाउट पे मौजूद है और इसके साथ लाहौर की बेस्ट कड़क चाय मिलती है, जिसको पी के आप अगले दिन तक पुड़कते रहेंगे और आप यही बोलेंगे अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। ये चाय चीनी रोक के और पत्ती ठोक के बनाई जाती है और लच्छे पराठे को चाय के अंदर डिप करके खाया जाता है और चाय का मजा और पराठे का मजा दुबला हो जाता है। ये सुबह नाश्ते और रात खाने के टाइम पे खुलता है और चाय और पराठे की कीमत सिर्फ 40 रुपए है। दिल थाम के बैठिए, अगली वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। ये वीडियो देख के चटकोरे लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा और उनकी ईद हो जाएगी। अगर आप ठंडे या खट्टे इमली के पानी में डिप करके सड़क पे बैठ के लाहौर के बेहतरीन गोलगप्पे खाना चाहते हैं तो ये आपको मिलेंगे बड़ी शॉप में मौलवी गोलगप्पे। इसके साथ मिलेगा शक्कर से बना हुआ ठंडा मीठा पानी। इन कड़क गोलगप्पों में चने की फिलिंग दी जाती है और मीठी दही के साथ आलू बुखारे की चटनी डाली जाती है। साथ आपको प्याले में डालकर ठंडा यख इमली का खट्टा पानी दिया जाता है, आलू बुखारे की चटनी दी जाती है और शक्कर से बना मीठा पानी दिया जाता है। ये गोलगप्पों का असल एक्सपीरियंस लकड़ी के फट्टे पे बैठ के सड़क पे बैठ के किया जा सकता है, और दो जो लाहौर में है वो इस जगह को जरूर ट्राई करें, यहाँ बहुत रस लगा होता है। प्लेट में पड़े हुए गोलगप्पों को अच्छी तरह से गिलने के लिए लेफ्ट राइट बैठे हुए लोग दाव लगा सकते हैं। ये 280 रुपए की पूरी प्लेट है और इसको सड़क पे टेबल पे बैठे खाया जाता है, और इसको खाने के बाद आप भी यही बोलेंगे। दिस इज द मोस्ट टेंडर मीट अवेलेबल इन पाकिस्तान, इट्स कॉल्ड मटन दम वाला, अवेलेबल एट जुनून रेस्टोरेंट। इट इज मैरिनेटेड एंड कुक्ड ओवरनाइट ऑन स्लो हीट। इसके अंदर हम दस्ती तीनों जॉइंट शोल्डर जो कि मटन के बेस्ट पार्ट है उसको इस्तेमाल किया जाता है। द स्लो कुकिंग प्रोसेस मेक द मीट सो टेंडर एंड सक्युलेंट, इट फॉल्स ऑफ द बोन एज सून एज यू होल्ड इट। This process is inspired by Turkish and Middle Eastern style of cooking and it's a heaven for meat lovers. It is first of its kind in Pakistan. बहुत आ रहा हूँ। आज आपको दिमाग में लगाएगी मार बताएं खाते कैसे पार्टी हैं। भाई पेट में जा रही होगी। आपको बता रहे थे कि हम सो रहे थे, जब आप अगली बार पूछते हैं कि इतवार वाले दिन फोन किया तुम फोन क्यों नहीं उठा सकते, तो सो रहे थे। असल में ये अपने दोस्तों के साथ निकले होते हैं और ये खाते चाहते होते हैं, नारियाँ पेट में जा रही हैं, सब्जियाँ, अंडे। जब वैसे फोन करते कहते नहीं हम तो देसी खाना खाते ही नहीं है। आपको लगता है आपके फोन पे जो खा रहे हैं सो गए होंगे? नहीं जी, हलवा पूड़ियां चल रही हैं, हलवा पूड़ियां पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखें ऐसी चल रही है। ये बड़े गोली बाज हैं, आपको गोलियां फिट करते हैं, नींद भी खा भी खा रहे होते हैं। बहुत आ रहा, बहुत आ रहा। ये दास्तान के साथ देसी घी का तड़का लगा के मगज वाली निहारी मिलेगी आपको मोहम्मदी निहारी मजंग से। ये चटपटी रेशेदार निहारी से हमारी शुरुआत हो जाती है, अब आगे देखें क्या होता है। बहुत आला, बहुत आला। फिर हमारा दिन शुरू होता है नार के लिए मौजूद गुलाम रसूल के चने और गुलाब जामुन से, और वहाँ से आपने मुड़ के नहीं देखना और सीधा जाना है बैंक स्क्वायर पर चाचू फ्रूट चाट। यही प्याज आलू और चटपटे चाट मसाले से भरी नॉस्टैल्जिक फ्रूट चाट है। चाचू फ्रूट चाट खा के आपने रीगल चौक पहुँचना है बेनजीर दही बल्ले पे, जिसके दही बल्ले भी कमाल है। तीन चार दिन से मेरे पेट ने बहुत तंग किया है, आज मैं उसको मजा नहीं पाऊंगा। वैसे तो पाकिस्तान में हमारा डेली फालूदा बनता है, लेकिन ये फालूदा बनाया यूसुफ ने, जो कि पुरानी अनारकली में मौजूद है। ये रबड़ी वाला दूध जिसमें तुकमलंगा, सेवैया और ठंडा दूध डाला जाता है, दूध मिला के उसमें बर्फ डाली जाती है, फिर उसको ऐसे फेंटा जाता है कि मजा आ जाता है। अगर रबड़ी वाला दूध पी के आपकी तबीयत सेट ना हो और आपको चस ना आए तो आपने कहना भाई मुझे फालूदा भी बना दो। रबड़ी वाला दूध पीने के बाद फालूदा खा के इंसान की तबीयत लाजमी सेट हो जाती है। मैं तो फालूदा को मूड एनहांसर बोलता हूँ। तुकमलंगे, सेवैया और रबड़ी के साथ ठंडा यख फालूदा इंसान के दिमाग को सुन कर देता है। जैसे हमारा दिमाग सुन लग रहा है इस टाइम पे, तो परेशानियां दूर भागेंगी ना। ये कमाल किस्म का ठंडा या फालूदा खाने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आएगी, बहुत आला।
Let's eat biggest deep fried pizza of Pakistan. सुन ले आप सब लोग, जब कोई किसी की तरफ जाता है मिठाई का डब्बा लेके, उसमें सिर्फ गुलाब जामुन होने चाहिए। मेरी तरफ अगर कोई आया और उसमें नीली पीली रंग बिरंगी मिठाइयाँ हुई ना, ये समझाइए आप लोगों को, डब्बे के अंदर सिर्फ गुलाब जामुन होने चाहिए। पेड़ वाली लस्सी बहुत आला। Today we are making slow cooked steamed mulk parda nishin at Junoon. It is marinated overnight in organic ground spices. After that, fried, steamed and covered with thick layer of butter. With rice and butter, which makes it so tender and succulent, and it melts in your mouth. It's so tender that the meat falls off the bone. It's in the buttery taste, aa raha hai, it's different aroma de raha hai. जिस्म जो है ना वो कहता है एहतियात करो, उबला हुआ खाओ, सब्जी खाओ, वर्जिश करो, लेकिन दिल कहता है मजे करो, आराम करो, बर्गर खाओ, पिज्जे खाओ, कचोरी खाओ। तो कोई रबड़ी और फलूदे के बारे में सोचो, सो जाओ और सोते हुए पायों के बारे में सोचो, और सोचो पेट में जगह होती तो ये समोसा पेट में जाता, मैं बर्गर खाता, गुलाब जामुन खाता, केक खा के लस्सी पीता और जोर जोर के नारे मारता। ये लाहौर में निस्बत रोड पे मजेदार किस्म के हरीसे की दुकान है, यहाँ पे बीफ का और मटन दोनों का हरीसा मिलता है। हरीसे के अंदर मजेदार किस्म के कबाब डाले जाते हैं, फिर देसी घी का तड़का लगा के उसको तिलों वाले नान के साथ या कुलचे के साथ खाया जाता है। चटपटा चाट मसाला डाल के नींबू और अदरक की बारिश की जाती है। ये मजेदार हरीसा खा के आप भी ये बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। क्या आपने लोगों को लस्सी के पीछे लड़ते हुए देखा? क्या आपने लस्सी मिलने के बाद खुशी से किसी को रोते हुए देखा? ये ऐसी कौन सी लस्सी है जिसके पीछे दुनिया पागल हुई है और दो दो घंटे टोकन लेके सुबह 2 बजे यहाँ के खड़े हो जाते हैं? टोकन लेके हमने डिसाइड किया कि दिल्ली गेट का राउंड लगाते हैं, लेकिन जब वापस आए तो रश वैसे के वैसे था, फिर पाकिस्तानी तरीका अख्तियार करना पड़ा। ये है जेदा लस्सी वाला, इसकी दुकान सुपर मंडी की बैक साइड पे अवामी बाजार में मौजूद है। जेदा साहब का ओपन चैलेंज है कि पूरी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इतने मजे की लस्सी कोई नहीं बना सकता। इसकी बेसन मलाई की मोटी तह के बाद एक लस्सी ऐड की जाती है। इस लस्सी की खास बात है कि खालिस गाढ़े दही से बनाई जाती है और इसके अंदर मलाई के चंक्स आते हैं। पास खड़े कुछ लोगों का कहना था कि जेदे की लस्सी में नशा मिला होता है, ये वाकई किसी नशे से कम नहीं। आज आप सबको मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग कंप्लेन करते हैं बर्गर खाता हूँ और मजे मजे के खाने खाता हूँ और वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो आज शाम का आप सब लोगों को मेरी तरफ से इनविटेशन है। हम लोग बर्गर, पिज्जा, पास्ता, सॉसेजेस, क्रीम रोल, पिज्जे, निहारियां, गुलाब जामुन, स्ट्रीट फूड, चाटे, कतलम में लस्सियां, फलूदे, बन कबाब, चीजी फ्राइज, चीज समोसे, टर्किश बकलावे, जलेबियां, गोलगप्पे, स्टफ गोलगप्पे, लड्डू, पिटी, पापड़ी, चाट, चीजी खाने, डिजर्ट्स, उफ यमी यमी खाने, और जंक फूड से होने वाले नुकसानात के बारे में लेक्चर दिया जाएगा, और फिर हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और 3 बार बहुत आला बहुत आला बहुत आला बोलेंगे। दुआ के बाद ग्रीन टी के साथ खजूर सर्व की जाएगी, खुद भी आइएगा और दोस्तों को भी लाइएगा। थैंक यू। This is Daud Kim and he has recently converted to Islam and he is in heaven right now. और ये है लाहौर की बेस्ट कड़क चाय, ये आपके 14 सबक रोशन कर दे, और ये है लाहौर का बेस्ट बल्लों वाला लच्छा पराठा। एंड दिस इज अदील चौधरी हु इज ऑलवेज हंग्री, एंड सिंस दाऊद हैज मेट अदील नाउ दाऊद इज ऑलवेज हंग्री टू। ये है कोयटा का चाय पराठा लाहौर के अंदर, यहाँ पे चीज और आलू की फिलिंग वाला जबरदस्त किस्म का पराठा मिलता है। इस बलों वाले लच्छे पराठे को एक खास तरीके से तैयार किया जाता है और फिर इसको तवे पे फ्राई किया जाता है, और ये अंदर से इतना सॉफ्ट और ऊपर से इतना क्रिस्पी बन जाता है कि आप इंजॉय करेंगे। ये लाहौर में सदर राउंड अबाउट पे मौजूद है और इसके साथ लाहौर की बेस्ट कड़क चाय मिलती है, जिसको पी के आप अगले दिन तक पुड़कते रहेंगे और आप यही बोलेंगे अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। ये चाय चीनी रोक के और पत्ती ठोक के बनाई जाती है और लच्छे पराठे को चाय के अंदर डिप करके खाया जाता है और चाय का मजा और पराठे का मजा दुबला हो जाता है। ये सुबह नाश्ते और रात खाने के टाइम पे खुलता है और चाय और पराठे की कीमत सिर्फ 40 रुपए है।
दिल थाम के बैठिए, अगली वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। ये वीडियो देख के चटकोरे लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा और उनकी ईद हो जाएगी। अगर आप ठंडे या खट्टे इमली के पानी में डिप करके सड़क पे बैठ के लाहौर के बेहतरीन गोलगप्पे खाना चाहते हैं तो ये आपको मिलेंगे बड़ी शॉप में मौलवी गोलगप्पे। इसके साथ मिलेगा शक्कर से बना हुआ ठंडा मीठा पानी। इन कड़क गोलगप्पों में चने की फिलिंगी जाती है और मीठी दही के साथ आलू बुखारे की चटनी डाली जाती है। साथ आपको प्याले में डालकर ठंडा यख इमली का खट्टा पानी दिया जाता है, आलू बुखारे की चटनी दी जाती है और शक्कर से बना मीठा पानी दिया जाता है। ये गोलगप्पों का असल एक्सपीरियंस लकड़ी के फट्टे में बैठ के सड़क पे बैठ के किया जा सकता है और जो जो लाहौर में है वो इस जगह को जरूर ट्राई करें, यहाँ बहुत रस लगा होता है। प्लेट में पड़े हुए गोलगप्पों को अच्छी तरह से गिलने के लिए लेफ्ट राइट बैठे हुए लोग दाव लगा सकते हैं। ये 280 रुपए की पूरी प्लेट है और इसको सड़क पे टेबल पे बैठे खाया जाता है और उसको खाने के बाद आप भी यही बोलेंगे। This is the most tender meat available in Pakistan. It's called Mutton Damwala, available at Junoon restaurant. It is marinated and cooked overnight on slow heat. इसके अंदर हम दस्ती तीना और जॉइंट शोल्डर जो कि मटन के बेस्ट पार्ट है उसको इस्तेमाल किया जाता है। The slow cooking process makes the meat so tender and succulent it falls off the bone as soon as you hold it. This process is inspired by Turkish and Middle Eastern style of cooking and it's a heaven for meat lovers. It is first of its kind in Pakistan. बहुत आ रहा हूँ। आज आपको दिमाग में लग रहा है कि बार बार दिन खाते कैसे पार्टी? सारे पेट में जा रही होगी। आपको बता रहे थे कि हम सो रहे थे, जब आप अगली बार पूछते हैं कि इतवार वाले दिन फोन किया तुम फोन क्यों नहीं उठा सकते, हम तो सो रहे थे। असल में ये अपने दोस्तों के साथ निकले होते हैं और ये खाते चल रहे होते हैं, नारियाँ पेट में जा रही हैं, टसियाँ, अंडे। जब वैसे फोन करते कहते नहीं हम तो देसी खाना खाते ही नहीं है। आपको लगता है आपके फोन क्यों खा रहे हैं, सो गए होंगे? नहीं जी, हलवा पूड़ियाँ चल रही हैं, हलवा पूड़ियाँ पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखें ऐसी चल रही है। ये बड़े गोली बाज हैं, आपको गोलियां फेट करते हैं, नींद भी खा ही खा रहे होते हैं। बहुत आ रहा, बहुत आ रहा। ये दास्तान के साथ देसी घी का तड़का लगा के मगज वाली निहारी मिलेगी आपको मोहम्मदी निहारी मजंग से। ये चटपटी रेशेदार निहारी से हमारी शुरुआत हो जाती है, अब आगे देखें क्या होता है। बहुत आला, बहुत आला। फिर हमारा दिन शुरू होता है नार के लिए मौजूद गुलाम रसूल के चने और गुलाब जामुन से, और वहाँ से आपने मुड़ के नहीं देखना और सीधा जाना है बैंक स्क्वायर पे चाचू फ्रूट चाट। यही प्याज आलू और चटपटे चाट मसाले से भरी नॉस्टैल्जिक फ्रूट चाट है। चाचू फ्रूट चाट खा के आपने रीगल चौक पहुँचना है बेनजीर दही बल्ले पे, जिसके दही बल्ले भी कमाल है। तीन चार दिन से मेरे पेट ने बहुत तंग किया है, आज मैं आपको मजा देता हूँ। वैसे तो पाकिस्तान में हमारा डेली फालूदा बनता है, लेकिन ये फालूदा बनाया यूसुफ ने जो कि पुरानी अनारकली में मौजूद है। ये रबड़ी वाला दूध जिसमें तुक मलंगा, सेवैया और ठंडा दूध डाला जाता है, दूध मिला के उसमें बर्फ डाली जाती है, फिर उसको ऐसे फेंटा जाता है कि मजा आ जाता है। अगर रबड़ी वाला दूध पी के आपकी तबीयत सेट ना हो और आपको चस्ट ना आए तो आपने कहना भाई मुझे फालूदा भी बना दो। रबड़ी वाला दूध पीने के बाद फालूदा खा के इंसान की तबीयत लाजमी सेट हो जाती है। मैं तो फालूदा को मूड एनहांसर बोलता हूँ। तुक मलंगे, सेवैया और रबड़ी के साथ ठंडा यख फालूदा इंसान के दिमाग को सुन कर देता है। जैसे हमारा दिमाग सुन लग रहा है, तो परेशानियां दूर भागेंगी ना। ये कमाल किस्म का ठंडा या फालूदा खाने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आएगी, बहुत आला। Let's eat biggest deep fried pizza of Pakistan. सुन ले आप सब लोग, जब कोई किसी की तरफ जाता है मिठाई का डब्बा लेके उसमें सिर्फ गुलाब जामुन होने चाहिए। मेरी तरफ अगर कोई आया और उसमें नीली पीली रंग बिरंगी मिठाइयाँ हुई ना, ये समझ आई आप लोगों को, डब्बे के अंदर सिर्फ गुलाब जामुन होने चाहिए। पेड़ वाली लस्सी बहुत आला। Making slow cooked steamed mulk parda nishin at Junoon. It is marinated overnight in organic ground spices. After that, fried, steamed and covered with thick layer of butter. Then baked with rice and butter, which makes it so tender and succulent and it melts in your mouth. It's so tender that the meat falls off the bone.
अपना निवेदन करना चाहता हूँ। इसके अंदर बटरी टेस्ट आ रहा है, बहुत आ रहा है। जिस्म जो है ना वो कहता है एहतियात करो, उबला हुआ खाओ, सब्जी खाओ, वर्जिश करो, लेकिन दिल कहता है मजे करो, आराम करो, बर्गर खाओ, पिज्जे खाओ, कचोरी खाओ। तो कोई रबड़ी और फलूदे के बारे में सोचो, सो जाओ और सोते हुए पायों के बारे में सोचो, और सोचो पेट में जगह होती तो ये समोसा पेट में जाता, मैं बर्गर खाता, गुलाब जामुन खाता, केक खा के लस्सी पीता और जोर जोर के नारे मारता। ये लाहौर में निस्बत रोड पे मजेदार किस्म के हरीसे की दुकान है, यहाँ पे बीफ का और मटन दोनों का हरीसा मिलता है। हरीसे के अंदर मजेदार किस्म के कबाब डाले जाते हैं, फिर देसी घी का तड़का लगा के इसको तिलों वाले नान के साथ या कुलचे के साथ चटपटा चाट मसाला डाल के नींबू और अदरक की बारिश की जाती है। ये मजेदार हरीसा खा के आप भी ये बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। क्या आपने लोगों को लस्सी के पीछे लड़ते हुए देखा? क्या आपने लस्सी मिलने के बाद खुशी से किसी को रोते हुए देखा? ये ऐसी कौन सी लस्सी है जिसके पीछे दुनिया पागल हुई है और दो दो घंटे टोकन लेके सुबह 2 बजे यहाँ के खड़े हो जाते हैं? टोकन लेके हमने डिसाइड किया कि दिल्ली गेट का राउंड लगाते हैं, लेकिन जब वापस आए तो रश वैसे के वैसे था, फिर पाकिस्तानी तरीका अख्तियार करना पड़ा। ये है जेदा लस्सी वाला, इसकी दुकान सुपर मंडी की बैक साइड पे अवामी बाजार में मौजूद है। जेदा साहब का ओपन चैलेंज है कि पूरी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इतने मजे की लस्सी कोई नहीं बना सकता। इसकी बेस मलाई की मोटी तय के बाद एक लस्सी ऐड की जाती है। इस लस्सी की खास बात है कि खालिस गाढ़े दही से बनाई जाती है और इसके अंदर मलाई के चंक्स आते हैं। पास खड़े कुछ लोगों का कहना था कि जेदे की लस्सी में नशा मिला होता है, ये वाकई किसी नशे से कम नहीं। आज आप सबको मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग कंप्लेन करते हैं बर्गर खाता हूँ और मजे मजे के खाने खाता हूँ और वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो आज शाम का आप सब लोगों को मेरी तरफ से इनविटेशन है। हम लोग बर्गर, पिज्जा, पास्ता, सॉसेजेस, क्रीम रोल, पिज्जे, निहारियां, गुलाब जामुन, स्ट्रीट फूड, चाटे, कतलम में लस्सियां, फलूदे, बन कबाब, चीजी फ्राइज, चीज समोसे, टर्किश बकलावे, जलेबियां, गोल गप्पे, स्टफ गोल गप्पे, लड्डू, पिटी, पापड़ी, चाट, चीजी खाने, डिजर्ट्स, उफ यमी यमी खाने, और जंक फूड से होने वाले नुकसानात के बारे में लेक्चर दिया जाएगा, और फिर हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और 3 बार बहुत आला बहुत आला बहुत आला बोलेंगे। दुआ के बाद ग्रीन टी के साथ खजूर सर्व की जाएगी, खुद भी आइएगा और दोस्तों को भी लाइएगा। थैंक यू। This is Daud Kim and he has recently converted to Islam and he is in heaven right now. और ये है लाहौर की बेस्ट कड़क चाय, ये आपके 14 सबक रोशन कर दे, और ये है लाहौर का बेस्ट बलों वाला लच्छा पराठा। एंड दिस इज अदील चौधरी हु इज ऑलवेज हंग्री, एंड सिंस दाऊद हैज मेट अदील नाउ दाऊद इज ऑलवेज हंग्री टू। ये है क्वेटा का चाय पराठा लाहौर के अंदर, यहाँ पे चीज और आलू की फिलिंग वाला जबरदस्त किस्म का पराठा मिलता है। इस बलों वाले लच्छे पराठे को एक खास तरीके से तैयार किया जाता है और फिर इसको तवे पे फ्राई किया जाता है, और ये अंदर से इतना सॉफ्ट और ऊपर से इतना क्रिस्पी बन जाता है कि आप इंजॉय करेंगे। ये लाहौर में सदर राउंड अबाउट पे मौजूद है और इसके साथ लाहौर की बेस्ट कड़क चाय मिलती है, जिसको पी के आप अगले दिन तक कुड़कते रहेंगे और आप यही बोलेंगे अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। ये चाय चीनी रोक के और पत्ती ठोक के बनाई जाती है और लच्छे पराठे को चाय के अंदर डिप करके खाया जाता है और चाय का मजा और पराठे का मजा दुबला हो जाता है। ये सुबह नाश्ते और रात खाने के टाइम पे खुलता है और चाय और पराठे की कीमत सिर्फ 40 रुपए है। दिल थाम के बैठिए, अगली वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। ये वीडियो देख के चटकोरे लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा और उनकी ईद हो जाएगी। अगर आप ठंडे या खट्टे इमली के पानी में डिप करके सड़क पे बैठ के लाहौर के बेहतरीन गोलगप्पे खाना चाहते हैं तो ये आपको मिलेंगे गड़ी शॉ में मौलवी गोलगप्पे। इसके साथ मिलेगा शक्कर से बना हुआ ठंडा मीठा पानी। इन कड़क गोलगप्पों में चने की फिलिंग जाती है और मीठी दही के साथ आलू बुखारे की चटनी डाली जाती है। साथ आपको प्याले में डालकर ठंडा यख इमली का खट्टा पानी दिया जाता है, आलू बुखारे की चटनी दी जाती है और शक्कर से बना मीठा पानी दिया जाता है। ये गोलगप्पों का असल एक्सपीरियंस लकड़ी के फट्टे पे बैठ के सड़क पे बैठ के किया जा सकता है, और जो लाहौर में है वो इस जगह को जरूर ट्राई करें, यहाँ बहुत रश लगा होता है। प्लेट में पड़े हुए गोलगप्पों को अच्छी तरह से गिलने के लिए लेफ्ट राइट बैठे हुए लोग दाव लगा सकते हैं। ये 280 रुपए की पूरी प्लेट है और इसको सड़क पे टेबल पे बैठे खाया जाता है, और उसको खाने के बाद आप भी यही बोलेंगे। This is the most tender meat available in Pakistan. It's called Mutton Damwala, available at Junoon restaurant. It is marinated and cooked overnight on slow heat. इसके अंदर हम दस्ती सीना और जॉइंट शोल्डर जो कि मटन के बेस्ट पार्ट है उसको इस्तेमाल किया जाता है। The slow cooking process makes the meat so tender and succulent it falls off the bone as soon as you hold it. This is the
This process is inspired by Turkish and Middle Eastern style of cooking and it's a heaven for meat lovers. It is first of its kind in Pakistan. बहुत आ रहा है। आज आपको दिखाऊं लगाएंगे मार करते हैं खाते कैसे बांटते हैं। भाई पेट में जा रही होगी। आपको बता रहे थे कि हम सो रहे थे जब आप अगली बार पूछते हैं कि इतवार वाले दिन फोन किया तुम फोन क्यों नहीं उठा सकते हम तो सो रहे थे। असल में ये अपने दोस्तों के साथ निकले होते हैं और ये खाते चल रहे होते हैं नारियां पेट में जा रही हैं बसियां अंडे जब घर से फोन करो तो कहते नहीं हम तो देसी खाना खाते ही नहीं है। आपको लगता है आपके फोन क्यों खा रहे हैं सो गए होंगे। नहीं जी अगर कुड़ियां चल रही हैं अगर कुड़ियां पा रहे हैं यहाँ पे ये देखें ऐसी चल रही है ये बड़े गोली बाज हैं यहाँ पे गोलियां फिट करते हैं नींद भी खाबे ही खा रहे होते हैं बहुत आ रहा।